Like after 1 or 2 days, I found about MCA. After that, I research about Impetus Gurukul. मैं सिर्फ क्लासेस ही ले रहा था और DPTs एंड ऑल वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था. फर्स्ट Impetus Gurukul की क्लासेस खत्म करो, उनका मटेरियल खत्म हो, दैट्स मोर देन एनफ. चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं. नाम है सुरेंद्र मीना, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 328 है और इनको एनआईटी त्रिची अलॉट हुआ है कैटेगरी रैंक से. तो सुरेंद्र, सबसे पहले तो आपको एनआईटी त्रिची के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. तो सुरेंद्र और इन्होंने, ये मुंबई से हैं और इन्होंने ये रैंक जो है वो फाइनल ईयर के साथ अचीव की है, बहुत ही खुशी की बात है. तो सुरेंद्र, आप मुझे अपनी इंटायर सक्सेस जर्नी बताइए. हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरेंद्र मीना एंड आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई एंड माय फैमिली इज सिचुएटेड इन मुंबई एंड आई नेटिवली फ्रॉम राजस्थान. सो आई विल बिगिन माय जर्नी फ्रॉम स्टैंडर्ड 12th. सो बेसिकली फ्रॉम द स्टार्टिंग आई यूज टू लाइक मैथ्स, आईटी, लाइक आई हैव एन इंटरेस्ट इन आईटी एंड मैथ्स. सो फिर मैंने फिर JEE का सोचा कि मैं बीटेक करूँगा, बीटेक दूंगा. तो सर बाय द एंड मुझे पता चला कि मैं बीटेक के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि JEE के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ पे एज क्राइटेरिया था 18+. तो मैं दे नहीं पाया क्योंकि मेरी इस साल 18 टर्न हुई है एज. तो उसके वजह से फिर मैंने एज अ BSc IT एज अ करियर चूज़ किया. फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ता गया. फिर आई थॉट कि BSc IT से तो कुछ होगा नहीं आगे, लेकिन मतलब मेरा गोल कुछ और ही था कि थोड़ा और कुछ बड़ा करना, क्योंकि BSc IT से इतनी अच्छी जॉब तो मिलेगी नहीं. तो बाय द स्टार्टिंग ऑफ थर्ड ईयर मैंने सोचा कि कुछ सर्च करते हैं, लाइक आफ्टर BSc IT मैं क्या कर सकता हूँ. सो आई स्टार्ट रिसर्चिंग. लाइक आफ्टर 1 or 2 days आई फाउंड अबाउट MCA, कि MCA NIMSET के थ्रू होता है, जिसमें NITs करवाती हैं, टॉप NITs हैं, NIT Tiruchirappalli एंड एक्सेट्रा. फिर आफ्टर दैट आई रिसर्च अबाउट Impetus Gurukul, कि शरद सर ऐसा पढ़ाते हैं. इनके मैंने YouTube पे वीडियोस देखे, वहाँ पे देखा इनका पढ़ाने का तरीका ऐसा है. फिर स्टार्टिंग में तो मैंने बेसिकली जो मेरे बेसिक्स थे वो तो क्लियर थे पहले से ही. तो मैंने पहले सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया, फिर देखा कि नहीं यार रेगुलरिटी मेंटेन नहीं हो रही, शेड्यूल नहीं बन रहा है. तो आई थिंक कि बेटर ऑप्शन टू जॉइन Impetus Gurukul. सो आई जॉइन द F बैच विच वॉज आई गेस अगस्त में स्टार्ट हुआ था. तो मैंने एक मंथ बाद ज्वाइन किया वो बैच. तो एक मंथ का बैकलॉग था और रोज लाइव क्लास आ रही है वो अलग. तो ये मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मतलब मैं सिर्फ क्लासेस ही ले रहा था और DPTs एंड ऑल वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था. तो लाइक 3 months तक तो यही चला कि मैं सिर्फ क्लासेस ले रहा हूँ, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं मिल रहा है. तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं यार ये तो गलत हो रहा है, सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने हॉल्ट पे डाल दी क्लासेस को, जो पास क्लासेस थी, जो करंट टॉपिक था उस पर फोकस किया पहले, उसकी DPT सॉल्व की, DWP सॉल्व की, टेस्ट देता था. स्टार्टिंग में तो मेरी रैंक इतनी सही नहीं आई, मार्क्स लाइक 300-400, बट ग्रेजुअली वो इंक्रीज हुए 500 से 700, फिर वो बढ़ते गए और रैंक भी फिर मेरी 200, एक बार तो 100 के अंदर भी आई थी और रैंक भी बढ़ती गई. फिर ऐसे ही पढ़ता गया. स्टार्टिंग में तो मैं इतना मतलब फोकस नहीं किया पढ़ाई पे, कि चलो पढ़ना है पढ़ना है. अगस्त में फास्ट फाइनल ईयर था तो कॉलेज का भी थोड़ा प्रेशर था, यहाँ से प्रेशर था. तो वो प्रेशर रिलीज करने के लिए मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, वॉलीबॉल खेलना चालू कर दिया. पढ़ता था मैं 6 घंटे 7 घंटे, जैसे 3 घंटे NIMSET को दे दिए, 2 घंटे कॉलेज के लिए पढ़ लिया, ऐसा था शेड्यूल. फिर जनवरी आया, फिर मैंने कहा चलो अब ये सब बंद करते हैं और फोकस करते हैं पढ़ाई पे. फिर पढ़ाई पे फोकस किया, फिर पढ़ता गया एंड देन NIMSET के फॉर्म रिलीज हुए. और फिर वहाँ मैं फॉर्म भरने गया और लाइक जब डेट ऑफ बर्थ का सेक्शन आया तो वहाँ पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ January 1, 2004 के पहले वाले बच्चे एलिजिबल हैं और माय बर्थ डेट इज 20/04/2004 विच इज इन अप्रैल. सो दैट वाज शॉकिंग कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ. हार्ट ब्रेकिंग भी था कि यार इतने पूरी साल पढ़ाई की है और लास्ट मोमेंट में पता चलता कि आप एलिजिबल नहीं हो. फिर मैं तो पूरा डिप्रेस, 4 दिन तक पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया. फिर सर को कॉल किया, सर क्या कर सकते हैं आप, तो सर ने बोला कि आप टेंशन मत लो, आप कॉल करो. वैसे NIMSET के ब्रोशर में या फिर बुलेटिन में कहीं भी नहीं लिखा था कि आपकी एज क्राइटेरिया ऐसा कुछ है. तो फिर मैंने NIMSET को कॉल किया, मेल लिखा, पहले तो रिप्लाई नहीं आया उनका. फिर 2-3 दिन के बाद मैंने फिर से कॉल किया तो उन्होंने कॉल पिक किया और मैंने उनको मेरा पूरा इशू समझाया कि दिस इज़ माई प्रॉब्लम. तो उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम बात करते हैं, हायर अथॉरिटी से मैं बात करता हूँ और उनसे डिस्कस करता हूँ. फिर मैंने अगले दिन कॉल किया उनको, उन्होंने बोला कि मैंने बात की है, अभी एक पूरा काउंसिल बैठेगा और आपकी लाइक आपका स्पेशल केस है तो उसके लिए पूरी काउंसिल बढ़ानी पड़ेगी, हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, NIMSET का DNL और वो सब आएंगे.
तो उन्होंने मीटिंग बैठवाई और फिर रिजल्ट मिल गया कि आप एलिजिबल हो और आप एग्ज़ाम दोगे। तो लाइक आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है, अच्छा है, हो गया। फिर मैंने एग्ज़ाम दी और आई सिक्योर्ड 328 ऑल इंडिया एंड आई थिंक आई एम एसटी टॉपर। देखिए सुरेंद्र ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली, और इम्पिटस हमेशा ये कई पिछले 3 साल से आपको पता होगा एलिजिबिलिटी में बहुत सारे कोर्स ऐड हुए। जैसे ही इसने जब मुझे बोला कि सर एज वाला एक्सेप्शन है, कई लोगों की एज बाय चांस की बात है, इनकी एज नहीं हुई, थोड़ा सा अंतर आ रहा था, तो भी मैंने बोला कि ऐसा मत सोचो कि नहीं होगा। इन्होंने NIT में फोन किया, मेल किया, 4-5 दिन टेंशन भी हुई, पर देखिए एलिजिबल हुए। ऐसे ही कुछ और बच्चे भी थे जो पिछले और पिछले साल के, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिक्कत थी, पर फाइनली मैंने कहा मेल तो करो, कोशिश करोगे तो हो सकता ना हो। मान लो आपने अगर ये सोच लिया होता कि अब तो एज नहीं है और मेल नहीं किया होता, फोन नहीं किया होता, तो 100% नहीं दे सकते थे। तो कोई काम जब हमें पता नहीं होने वाला तो उसको करके देखने में तो कोई बुराई नहीं, हो सकता अच्छा रिजल्ट मिल जाए, नहीं होगा तो जो है वो है। तो ये सुरेंद्र ने किया और ये हुआ। तो मैं आप सबको बोलूंगा कभी भी ऐसी, नॉट ओनली फॉर NIMCET एलिजिबिलिटी, कहीं पे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार उस प्रॉब्लम को फेस भी करना चाहिए और उसको सॉल्यूशन की तरफ भी देखना चाहिए। वो इसने देखा, 4-5 दिन जरूर बिगड़े, पर फिर से, क्योंकि एक तो मुंबई में थे, फिर से पढ़ाई स्टार्ट की और दोनों को मैनेज किया। अच्छा, जब भी स्ट्रेस आए, इसने जो बात बोली मैं हमेशा हर बच्चे को बोलता हूं, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, प्रेशर आ रहा है, तो आपको सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन, योगा, प्लेइंग गेम, मतलब कोई भी बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, कोई भी एक गेम, पर फिजिकल कोई वर्कआउट करना चाहिए। गेम का मतलब कभी मोबाइल गेम नहीं। तो इसने चालू किया और दोनों को मैनेज किया, ये बहुत ही खुशी की बात है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? एक तो आपने इतनी कम एज में इतनी अच्छी रैंक अचीव की, त्रिची मिला, और दूसरा ये कि प्रॉब्लम भी आई उसको भी सॉल्व किया, तो क्या मैसेज होगा आपका? सर, जूनियर्स को यही मैसेज दूंगा कि अगर आप इम्पिटस गुरुकुल से ज्वाइन होते हो तो आप रादर देन डूइंग ऑल द बुक्स NCERTs एंड ऑल, फर्स्ट इम्पिटस गुरुकुल की क्लासेस खत्म करो, उनका मटेरियल खत्म हो, दैट्स मोर देन एनफ, वो बहुत है। मैंने तो सिर्फ वही बुक सॉल्व, मैंने स्कोरर खरीदी थी पर मैंने कभी सॉल्व नहीं की, मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज की थी, उसके बाद मैंने कहीं नहीं आ रही, तो ऑलरेडी मेरे पास पढ़ा हुआ, मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ फिर से। तो बस यही है, पूरा मटेरियल सॉल्व कर लो, मोर देन एनफ है। और एक और बात बोलूंगा, लाइक इफ मैं, मेरे बैचमेट से 3 साल छोटा हूँ, 4 साल छोटा हूँ, इफ मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? आप तो मुझसे मैच्योर हो और आप क्यों नहीं कर सकते? देखिए बिल्कुल सही बात बोली सुरेंद्र ने कि आप लोग, सभी लोग कर सकते हैं। अच्छा, आप क्योंकि आप छोटे तो जरूर हो पर आपके ड्रीम काफी है। तो क्या ड्रीम है आपका या क्या विजन है, आगे क्या सोचते हो? आप त्रिची में जाके MCA तो करोगे, उसके आगे का भी कुछ सोच रखा है या अभी केवल MCA पे सोचा है? सर, तो बताओ। मैं MCA करूंगा NIT से, फिर अच्छे MNCs में जॉब जाना है। सर, मेरा ड्रीम तो गूगल में जाना है, गूगल में जॉब पाना है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, किसी में भी सर, बस यही जॉब, यही ड्रीम है। वेरी गुड, चलो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू।